सो हेलो गाइज वेलकम बैक गेन टू माई चैनल दिस इज रोहित खरवार और आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कि जैसा आपने थमनेल में देखा कि टॉप फाइव कॉलेज टॉप फाइव इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे पुणे में टॉप फाइव कॉलेज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप पुणे में एडमिशन लेना चाहते हैं इफ़ यू आर द महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट ट्वेल्थ से हो और आपने सीई टी दे, दे रखा है अदरवाइज जेई मीन्स दे रखा है तो आपके लिए ये जो कॉलेज बता रहा हूँ यहाँ पे दोनों सीई टी और जेई मीन्स दोनों का मार्क्स एक्सेप्ट किया जाता है तो अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो और अदरवाइज आप आउट ऑफ मतलब महाराष्ट्र के आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो जेई मीन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना और बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप सभी के लिए ठीक है तो यार वीडियो को वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई वो नीचे जो लाल सा बटन दिख रहा है ना उसको दबा दो होएगा कि उस जब भी आप दबाओगे ना तो वो ग्रे हो जाएगा और बाजू में घंटा आ जाएगा तो घंटे को सिर्फ ऑन कर देना तो उससे क्या होगा मेरे जो चैनल का है ना नो, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा समझ में आया तो एम सेट एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो अन एकेडमिक प्लेटफॉर्म को जरूर जानते हो अन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर आपका फ्री क्लासेस चल रहा है फ्री क्लासेस कंडक्ट किया जा रहा है आपको क्या करना है वहां पे जाके एनरोल करना है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको क्लासेस दिखा रहा हूँ कि फ्ली फ्री क्लासेस ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं तो अगर आपको आप एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम का एम सेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये फ्री क्लासेस जाके जरूर अटेंड करना और इस फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप मेरा uh, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो अगर आप मेरा ये कोड डालोगे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रोहित खरवार करके आ रहा है तो इस कोड को आप जब भी ये करोगे एनरोल करोगे फ्री क्लासेस में तो वहाँ पे इस कोड को आपको यूज़ करना है और इस जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपका जो फ्री क्लासेस है वो चालू हो जाएगा अगर आप इस कोड को यूज़ नहीं करोगे तो आपका क्लास फ्री क्लासेस चालू नहीं होएगा तो इस रेफरेंस कोड को यूज़ करो और सबको अपने फ्रेंड्स को सभी को बताओ कि फ्री क्लासेस चालू है एमसेट एंट्रेंस एग्जाम का इस कोड को जरूर यूज़ करना और एमसेट एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपरेशन uh, के लाइव क्लासेस के लिए आपके टॉप एजुकेटर सिखाते हैं यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एमसेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं बहुत अच्छे से और आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी देते हैं वहाँ पर आपको पी वगैरह

बारे में बात करेंगे यार पहला कॉलेज कौन सा है देखो पहला कॉलेज है आपका बहुत सही कॉलेज है बहुत सही कॉलेज है हाँ सही में बहुत सही कॉलेज है सीओ तो सीओ uh, COEP का नाम सुना है आपने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन पुणे तो इस कॉलेज का क्या ही मैं बताओ इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा रिव्यू कर रखा है चैनल पे वीडियो इसका पूरे डिटेल में है तो आप जाके वो देख सकते हो ठीक है तो इवन लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके देख लो लेकिन फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ सीओपी का फुल फॉर्म है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन पुणे और इस कॉलेज में आपका जो प्लेसमेंट है बहुत सही है बहुत सही है ठीक है तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और इस कॉलेज में आपका एमएसटी सी टी जेई मेन्स दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं आप जेई मेन्स से भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एम एस टी सी टी से भी ले सकते हो इसके फीस के बारे में डिस्कस करें यार तो फीस इसका है कुछ फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसका फीस है मैं ये जो बता रहा हूं भाई ये सब पूरा मेरे को जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब इंटरनेट बेस्ड रिसर्च बेस्ड है तो कुछ दिल पे मत लेना अगर आप सीआईपी के स्टूडेंट हो तो अगर कुछ रॉन्ग रहा तो मैसेज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मैं आपके पिन आपके कमेंट को पिन कर दूंगा ठीक है तो ये बढ़िया हो गया कि आपको समझ में आ गया सी और दूसरे नंबर पे आया भाई दूसरे नंबर पे आया बहुत सही है ये विद्यापीठ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी डिमिड यूनिवर्सिटी है ठीक है भारतीय विद्या विद्यापीठ डिमिड मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा भारतीय विद्यापीठ डिमिड यूनिवर्सिटी है तो ये आपका इस कॉलेज इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज में इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना ये इनका खुद का ओन एंट्रेंस एग्जाम होता है ठीक है तो उस एंट्रेंस ओन एंट्रेंस एग्जाम का नाम है बी वी पी बी फॉर बॉल वी फॉर बैन पी फॉर पुणे ठीक है तो ऐसा है नहीं कुछ फुलफॉर्म नहीं है मैं बता रहा हूँ तो कन्फ्यूज ना हो आप बी वी पी सीई टी कंडक्ट किया जाता है ठीक है तो वी पी सी ई टी कंडक्ट किया जाता है इनका खुद का कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है तो इसको देने के बाद आप आराम से एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज में और भाई इस कॉलेज का आपका फीस है कुछ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर पर ईयर ठीक है तो ये हो गया आपका दूसरा कॉलेज थर्ड तीसरे कॉलेज की बात करें तो तीसरा कॉलेज आपका पी आई सिटी है साई भाई साहब पी आई सिटी बहुत सही कॉलेज है अगर आप देखोगे कंप्यूटर आई टीज के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत सही कॉलेज मैं मान लूंगा इसको बहुत सी अच्छी कंपनियाँ भी आती यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत भारी है इस कॉलेज का तो इफ़ तुम्हारा एडमिशन घायल तो तुम्हें यह वीडियो वीडियो बगता है जर सब्सक्राइब करू जाओ प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करा आ, पी आई सी डी कॉलेज पुणे खूब चांगला कॉलेज है खूब छान कॉलेज है बहुत सही कॉलेज है भाई तो करो इतना कि वहाँ जाके वहाँ पे आप कौन कौन से इसे एडमिशन ले सकते हो तो सीईटी एम एस से एडमिशन ले सकते हैं और जेई मेन से एडमिशन ले सकते हो दोनों एग्जाम एक्सेप्टेड है इस कॉलेज में ठीक है और इसका फीस है आपका नाइनटी सिक्स थाउजेंड पर ईयर नाइनटी सिक्स थाउजेंड पर ईयर ठीक है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा यार इंजीनियरिंग पांच लाख में बस पांच लाख हाँ बट निकल जाएगा यार प्लेसमेंट मिल गया तो निकल जाएगा ये भी पांच लाख क्या है एक साल में निकल कमाले आप लोग बहुत सही प्लेसमेंट है बस मेहनत करते रहना तो फोर्थ कॉलेज की बात करें यार तो एम पुणे सॉरी एम आई टी डब्ल्यू पी यू पुणे तो ये पुणे में आए ये वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी एम आई टी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ये भी बहुत सही कॉलेज है भाई अगर तुम देखोगे तो बहुत सही है मजा आ जाएगा <laughs> तो इस कॉलेज में आपका जेई जे में जो सी के थ्रू आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा डब्ल्यू एम में ठीक है एम आई टी डब्लू पी यू वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में और इसका फीस है कुछ हाई फाई है लेकिन ठीक है तीन लाख दस हजार थ्री लैक्स टेन थाउजेंड इसका फीस है तो एडमिशन लेना रहेगा तो सोच समझ के लेना ऐसा मजाक नहीं कर रहा हूं अगर आप अमीर हो तो ले सकते हो अगर आप अमीर हो तो ले सकते हो <laughs> तो ले लेना ठीक है तो ये हो गया आपका फोर्थ कॉलेज पुणे का और फिफ्थ कॉलेज की बात करें तो यार फिफ्थ कॉलेज है आपका वी आई टी वी आई टी वाव नाइस वी आई टी पुणे मतलब विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दो कॉलेज है इस नाम के याद रखना वी डबल आई टी करके है और एक वी है तो मैं विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं यहाँ पे ये आया ये भी आपका पुणे में आया और इस कॉलेज में जय मेन सी दोनों का लिया जाता है क्या मार्क्स कट लिया जाता है ठीक है जेई मेंस और सी का मार्क्स यहाँ पे इसके थ्रू एडमिशन मिलता है तो आप अगर इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो भाई प्लेसमेंट दो साल से बहुत बेकार वाला मतलब बहुत सही वाला बूस्ट कर रहा है बेकार वाला नहीं सही वाला बूस्ट कर रहा है पहले 2017 वगैरह में इसमें कुछ 16 लाख प्लेसमेंट थे बट इस अठारह और 19 में भाई बहुत सही बूस्ट हुआ है थर्टी सेवन लैख फिफ्टी फोर प्लेसमेंट गए ऐसा मुझे इंटरनेट ने बताया है अब मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता लेकिन ऐसा मुझे इंटरनेट पर मिला है ठीक है तो फिर ये है टॉप फाइव कॉलेज के रिव्यू अगर रिव्यू रिव्यू नहीं रिव्यू नहीं है रिव्यू नहीं ये है आपके टॉप फाइव कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो तो अगर वीडियो आपको बहुत सही लगी हो बहुत मजा आया हो तो नीचे दिख रहा है यार वो लाल डब्बे को दबा के जाओ यार दबा के जाओ प्लीज दबा के जाओ बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे से मजा आ जाएगा वीडियो बनाने में आपके लिए और आगे जितने भी वीडियो भी आने वाले हैं सब कॉलेज के ऊपर आएगा सब कॉलेज रिव्यू के ऊपर आएगा बस सब्सक्राइब करके रखो मजा आ जाएगा तुम्हें वीडियो देखने में कसम से बोलते हैं, मजा आज का तर तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा भाऊ कुठे पण राहता तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला पुणेमध्ये ऍडमिशन पाहिजे असेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा जास्त टेन्शन घेऊ नका कॉलेज भेटेल तुम्हाला कुठला पण एम एस ट्री सीडीमध्ये फक्त चांगला स्कोर करा आणि जेईमिन्समध्ये पण चांगला स्कोर करा कुठला पण केला असं एक पण एकमध्ये पण केला ना तर कॉलेज भेटतो याचा काही टेन्शन नाही आहे पण बिंदास करा स्कोअर अभ्यास करा आणि तुम्हाला कॉलेज भेटेल मग चला भेटतो तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आणि नोटिफिकेशन येणार ना सबस्क्राईब करून ठेवा भाऊ सबस्क्राईब करून ठेवू ठेव ना सबस्क्राईब करून चल भेटतो